हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मुझे पता है आपकी बार का व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, तो गाइस थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, बस इस वजह से लेट हो गया है, और कोई बात नहीं थी। सो गाइस, आज जो दिन है वो है गाइस 10 जुलाई, जो कि है आज जो दिन है वो है बकरीद का, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा दिन होता है। वैसे इसको ईद उल अज़हा बोला जाता है, और ज़्यादातर लोग इसको बकरा ईद ही बोलते हैं। तो गाइस, अभी हमें रेडी होना होगा फजर की नमाज़ के लिए। उसके करेक्ट 2 घंटे बाद होगी बकरा ईद की नमाज़, जो कि करेक्ट 2 घंटे बाद होगी, करेक्ट 2 घंटे बाद। तो अभी हमें पहले रेडी होना होगा फजर की नमाज़ के लिए। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, आधे घंटे बाद फजर की नमाज़ है। तो फजर की नमाज़ के बाद हमें 2 घंटे बाद ईद की नमाज़ होगी। सो पहले हमें रेडी होना होगा, उसके बाद मैं आपको सब दिखाऊँगा, जो आज मुझे करना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। सो इसी के साथ गाइज, मैं रेडी हो चुका हूँ, और अब गाइज 1 घंटे बाद ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। गाइज लगभग 6 बज चुके हैं और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सुबह का टाइम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह नहा धोकर फ्रेश होने में। सो गाइज, ये मेरा आउटफिट है आज का, बताइए कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बता दिएगा एक बार भाई के लिए। तो गाइज, अब हम जाएंगे 1 घंटे बाद, ईद का नमाज 7 बजे है, तो हम जाएंगे यहाँ से 6:30 पर, ताकि हम टाइम पर पहुँच जाएँ। और ईदगाह जाने के बाद मैं दिखाऊंगा गाइस ईदगाह का माहौल कैसा है, कहाँ पर नमाज़ होती है। पहले गाइस रोड पर होती थी, काफ़ी बड़ी महफिल, मतलब बहुत बहुत ऊंचा होता था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, रश होता था। और अब तो थोड़ा परमिशन की वजह से, परमिशन वगैरह की वजह से जो है थोड़ा कम होता है रश, और काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा आपको। काफ़ी भीड़ होती है, मैं आपको पूरा दिखाऊँगा, सब दिखाऊँगा, ठीक है ना। सो गाइज, वीडियो के अंदर पूरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूँ जिनेद मलिक, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AJ व्लॉग्स, जैसा कि आप जानते हैं। सो गाइज, काफ़ी अच्छा कंटेंट होने वाला है ये वाला, पूरा वॉच करिएगा। आज बकरा ईद है, बकरा ईद स्पेशल। सो गाइज, हम जा रहे हैं ईदगाह मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने, काफ़ी लेट हो गए हम। ईदगाह इधर से आ। अंदर जगह चाहिए यार, अंदर जगह चाहिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं ईदगाह मस्जिद के पास। Moments later. So guys, जैसा कि मैंने कहा था, काफी रश होता है, काफी रश है। एक ब्लॉक तो बनी आ गई, चप्पल का है वही।
गाइस काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफ़ी रश है, बहुत रश है। और ये अल्तमाज भाई आज हमारे बहुत लेट निकल के आए। दोनों पैरों से अपार चलने फिरने से मोहताज, ऐसे मोहताज की इमदाद करें। भाई जान आप लोगों से गुजारिश है कि आपके मोहल्ले में बस्ती में ऐसा अपार पर काफी भीड़ है देख सकते हैं आप। सो गाइस ये ईद का मेला लग रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं काफी भीड़ है। और ये हमारे दोस्त हैं यहाँ पर सब, अजीम भाई, जुबैर भाई, अल्तमाज भाई। हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही मेला लगता है गाइस, ऐसा ही मेला लगता है यहाँ पे हर साल। और मेरी आवाज़ बैठ गई है गाइस सुबह। गाइस हमने जैसा कि आपको दिखाया था, मतलब वहाँ जो मेला वगैरह लग रहा था, वहाँ से आने के बाद गाइस हम लोग दिखाने के बाद सो गए थे। और सोने के बाद हम अब मार्केट की तरफ निकल आए थे थोड़ा टहलने वगैरह के लिए। तो गाइस मार्केट तो पूरी खाली पड़ी है, जब मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं मार्केट पूरी जो है बंद पड़ी है, क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है त्यौहार का टाइम है तो मार्केट तो बंद ही रहनी है, मार्केट तो बंद ही रही क्योंकि त्यौहार का टाइम है। तो अब रात के 9:30 बज चुके हैं गाइस। सो और जो गोश्त वोश्त होता है ना, वो ईद बकरा ईद पर होता है, वो हम लोग बांट कर आए थे, थक गए थे काफ़ी गाइस, तो हम सो गए। सोने के बाद हम मार्केट की तरफ एक टहलने निकल आए हम, थोड़ी सी चहल पहल तो है गाइस। और आप देख सकते हैं होटलों पे कुछ रोटियों के लिए आज कुछ इस तरह की भीड़ है। और ये तो फेमस नहीं है होटल, और फेमस हो पे और होटलों पे इससे भी ज़्यादा। मार्केट बंद पड़ी है। और अल्तमाज भाई कहाँ गए? और सो गाइस आपने देख लिया होगा मार्केट वगैरह सब बंद पड़ी है। और अब हम थोड़े थक गए, अब दोबारा जाकर सो ही जाएंगे, अब क्या करेंगे। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक।